हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षा रोजगार जगत की अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो 6000 से ज्यादा बड़े पदों पर दोस्तों विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसके लिए हम पूरी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बड़ी भर्ती आ चुकी है। हम पूरी जानकारी देंगे, कब से आवेदन होंगे, कब तक होंगे, अन्य पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम यहां पर पदों की संख्या आप बता दें। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में यहां पर वैकेंसी देख सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया में 535 है और कैटेगरी वाइज यहां पर आप खुद स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके अलावा कैनरा बैंक में 2500 वैकेंसी है, पंजाब नेशनल बैंक में 500 वैकेंसी है, पंजाब एंड सिंध बैंक में 253 वैकेंसी है और यूको बैंक में 550 वैकेंसी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2094, कुल 6432 पदों के लिए भर्ती है। जी हाँ, अगर आप दोस्तों सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप 6432 इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो IBPS PO 2022 का ये नोटिफिकेशन है, यानी कि PO अगर आप बनना चाहते हैं बैंक में तो दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अगस्त से, यानी कि आज से और 22 अगस्त 2022 तक इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसकी प्री परीक्षा की बात करें तो अक्टूबर 2022 में पूर्ण कराई जाएगी, वहीं पर मेंस परीक्षा उसके अगले महीने यानी कि नवंबर में संपन्न करा दी जाएगी। तो दोस्तों IBPS की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर जाकर आप इन पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वहीं से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित जो भी योग्यता है, आयु सीमा है, सभी चीजें दोस्तों वहां पर फटाफट जाकर आप चेक कर लें। अगली अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है PET 2022 की परीक्षा को लेकर। जी हां, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार समूह गा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए दोस्तों अभी तक 37 लाख से ज्यादा दोस्तों आवेदन देखने को मिले हैं। अगर PET 2021 की बात करें दोस्तों तो केवल 20,73,000 ही आवेदन आए थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ यानी कि लगभग डबल आवेदन हो चुके हैं, 37 लाख हो चुके हैं। लेकिन होते होते आप ये मान सकते हैं कि करीब 38-39 लाख के आसपास पूरी प्रक्रिया ये पहुंची के भी फाइनल पूरा पता करते करते, तो लगभग 38 लाख दोस्तों आवेदन, यानी कि डबल लगभग आवेदन इस बार देखने को मिले, यानी कि काफी ज्यादा प्रतियोगी छात्र इस बार इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं। और ये जो कंपटीशन है दोस्तों आगे आने वाली यूपी SSSC की भर्तियों में भी देखने को मिलेगा, चाहे वो लेखपाल जैसी भर्ती हो जो कि 4000 पदों पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूपी SSSC में जितनी भी भर्तियां आएंगी 2022 PET 2022 के बाद, उन सभी में बड़ा कंपटीशन दोस्तों यहां पर देखने को मिलने वाला है। अगली अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। जहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती 12,460 शिक्षक भर्ती में आज का ये लेटर है 2/8/2022 को, जहां पर आप देख सकते हैं मनीष असीजा विधायक है फिरोजाबाद के, उनके माध्यम से ये लेटर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। साथ में दोस्तों DG सर को भी ये मेल के माध्यम से और स्पीच पोस्ट के माध्यम से भी भेजा गया है, जहां पर आने वाली 22 अगस्त को कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वहां पर सरकार निष्पक्षता से अपने पक्ष को रखे, कोई अगली तारीख ना ले, इसी से संबंधित दोस्तों ये जो लेटर है वो DG सर को और मुख्यमंत्री जी को यहां पर प्रेषित किया गया है, जहां पर मांग की गई है कि जल्द से जल्द अगली सुनवाई में इस मामले का निस्तारण दोस्तों करवाया जाए और निस्तारण करवाते ही भर्ती को जल्द से जल्द यहां पर पूरा करा दिया जाए और आगामी आने वाली तारीख में सरकारी अधिवक्ता प्रपोजल लगा कोई नई तारीख की मांग ना करें ताकि भर्ती पूर्ण हो सके। इसी से संबंधित इस लेटर को दोस्तों महानिदेशक को भी प्रेषित किया गया है, साथ में मुख्यमंत्री जी को तो भेजा ही गया है। और दोस्तों यहां पर जब छात्रों ने मुलाकात की है मनीष असीजा से तो जानकारी देखने को मिली कि ये DG सर के काफी खास रहे हैं, क्योंकि वहां के भी पहले यहां पर DM रह चुके हैं। तो ऐसे में जानकारी देखने को मिली है दोस्तों कि उधर से जो रिस्पॉन्स देखने को मिला, यानी कि DG सर की तरफ से जो आंसर देखने को मिला दोस्तों वो काफी अच्छा देखने को मिला, ऐसी यहां पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी गई है। और यह भी बताया गया है कि लगभग 10 से 15 मिनट उन्होंने यहां पर विधायक जी से बात की है और अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। और दोस्तों अगली सुनवाई पर कुछ नया देखने को
मिल सकता है, यानी कि भर्ती पूर्ण कराएं जैसे कार्य देखने को दोस्तों मिल सकते हैं। फिलहाल आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ही, लेकिन वो 68,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जहां पर आप देख सकते हैं अमरेंद्र बाहुबली को जो कि डीजी सर से यहां पर मुलाकात कर रहे हैं और उनको एक ज्ञापन देते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर दोस्तों जानकारी देखने को मिली कि आज इन छात्रों ने डीजी सर से मुलाकात की और जल्द से जल्द हाई कोर्ट में सुनवाई करवाने के लिए सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करने के लिए यहां पर आग्रह किया गया है, ताकि सुनवाई जल्द हो और जल्द ही नियुक्ति पत्र मिले। फिलहाल डीजी सर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द यहां पर लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की जाएगी सरकार की तरफ से और सितंबर अक्टूबर में जो तारीखें लगी हैं उनको जल्द से जल्द अगस्त में ही सुनवाई करवाई जाएगी और सुनवाई करवाते हुए छात्रों को नियुक्ति देने का जो कार्य है वो किया जाएगा, ऐसा आश्वासन डीजी सर के माध्यम से दिया गया है। फिलहाल लखनऊ के ईके वार्डन में इनके माध्यम से जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और भर्ती को लेकर लगातार प्रयास भी जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी अपडेट देखने को मिलेगी। अगली अपडेट है दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर मामले को लेकर। जी हां, हिमाचल हाई कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिया है जेबीटी भर्ती मामले में सरकार का पुनर्विचार आवेदन, यानी कि यहां पर बीएड के छात्रों को लगभग जीत देखने को दोस्तों यहां पर मिली है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने अदालत से आवेदन किया था कि 6 मई को पारित आदेशों पर पुनर्विचार किया जाए। 6 मई को अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि जेबीटी पदों को एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार भरा जाए, जिसके लिए यहां पर सरकार गई थी हाई कोर्ट, लेकिन वहां से इस मामले को दोस्तों पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और इस पुनर्विचार याचिका को सरकार की पूरी तरह से दोस्तों खारिज कर दिया गया है, यानी इस पर कुछ भी निर्णय यहां पर दोबारा से डबल बेंच की तरफ से देखने को नहीं मिला।